स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल देखिए आज मैं क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लेके आया हूँ कि किस तरह से आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में वो तैयारी करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो उनको करने चाहिए और किस तरह से वो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड के टारगेट को पूरा कर सकते हैं अब अगर कोशिश करेंगे तो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड तो आएगा ही नाइन्टी तो खैर कहीं नहीं गया अगर आप मेरे बताए हुए टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे सारे क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पर ऑप्टेन कर सकते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर की अब सॉल्यूशन चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिस तरह से आपको तैयार करना है काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन आपको कोशिश करनी है इन टॉपिक्स को अच्छे से करने की हैंज लॉ नरीज लॉ पे नरिकल्स जो आपको करवाए गए हों या आपकी एन में हो आप उन्हें करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपको एग्जांपल्स कि भाई ये सॉल्यूशन है ये आइडियल है नॉन आइडियल है किस तरह का है मिनिमम बॉयलिंग एज यू ट्रॉप मैक्मम बॉयलिंग एज यू ट्रॉप इसमें करना है रोल्स लॉ दो तरह का होता है वॉलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाले का डेरिवेशन सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको नॉन वोलेटाइल वाले का डेरिवेशन भी करना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और जियो मिक्सचर मिक्सर जियोट्रॉपिक मिक्सर हम जानते हैं जिसको डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है कितने टाइप्स के हैं मिनिमम बॉयिंग एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप ये ये अच्छे से डेफिनेशन याद रहें कूलेंट किसे कहते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट किसे कहते हैं डी आइसिंग एजेंट किसे कहते हैं इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रोड्स के ऊपर एन या अमोनियम एसिटेट को क्यों छिड़क दिया जाता है जब बर्फ पड़ती है तो कूलेंट एंटी फ्रीजिंग और डी आइसिंग एजेंट इथाइलिन ग्लाइकोल इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में कई तरह की डेफिनेशन आती हैं प्लाजमोलिसिस क्रीनेशन किसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे न्यूमेरिकल और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में वांटो फैक्टर को इंक्लूड करके न्यूमेरिकल वाटो फैक्टर फाइंड आउट करने के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन मोलर एन एस वन मोलर ग्लूकोज किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वाटो फैक्टर के बेसिस पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और उसके न्यूमेरिकल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी तीन तरह की कंडक्टिविटी मोलर और कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल करना है डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है मोलर और इक्वलेंट इंक्रीज होती है फेराडेज लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं फेराडे के दो लॉ हैं फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एनसीआरटी के न्यूमेरिकल कर लो जितना बता रहा हूं उतना पोर्शन तो करना ही करना है टारगेट अगर बड़ा है तो कार्य भी बड़ा करना होगा तो इसीलिए कोलराश लॉ के न्यूमेरिकल्स कोलराश लॉ में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आप वाटर की कंडक्टिविटी कैसे पता लगा सकते हैं या इसके ऊपर सिंपल से न्यूमेरिकल नर्नस्ट इक्वेशन ऑफ सेल नर्नस्ट इक्वेशन कई तरह की होती है नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सेल नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम, लेकिन आपने एन के क्वेश्चन जो नर्नस्ट इक्वेशन पे हैं सिर्फ उसी को करना है गिवस एनर्जी के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आप जानते हैं ना कि आपका पेपर बैटर्न ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत कम क्वेश्चन आता है आता भी है तो ऑप्शन में आता है लेकिन एन में एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है ज़रूर कर लेना है क्रोजन को प्रिवेंशन क्रोजन क्रोजन की एक तो मेन रिएक्शन याद रखो और क्रोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन है और इसके साथ साथ फ्यूल सेल की रिएक्शन फ्यूल सेल की रिएक्शन यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन फ्यूल सेल की रिएक्शन ये आपने यहां पर करना है कैनेटिक्स हमारा अगला टॉपिक है कैनेटिक्स में आपको डिफरेंसेस करने हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी रेट कॉन्स्टेंट ऑर्डर मॉलिकुलरिटी थ्रश होल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई हायर ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन चार से ज्यादा नहीं होती क्यों नहीं होती इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो क्वेश्चन आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी अरिनेसिक इक्वेशन में आएगा रेट लॉ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इनिशियल रेट मेथड इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन अरिनिस इक्वेशन का नुमेरिकल खास तौर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होस्कुलिजम्स आर इफेक्टिव और प्रजेंस ऑफ कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट की प्रजेंस में किस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे ये आपने करना है तो इस तरह से कैनेटिक्स के अंदर मेनली आपने रेट लॉ लिखना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये टॉपिक और इसके बेसिस पर नुमेरिकल कर नहीं करने, करने हैं न्यूमेरिकल हमारे एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव में आएंगे 14 मार्क्स के अराउंड ऑब्जेक्टिव तो अलग से वो तो आ ही सकता है यार उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते लेकिन सब्जेक्टिव में आपको बताया कितने के फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक है और डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं कितने तरह की बॉन्डिंग होती है डी एंड एफ ब्लॉक में आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है या उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ये हार्ड क्यों होते हैं सॉफ्ट क्यों होते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं एलॉय क्यों बनाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एक्टर्स कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है करना चाहिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ के एम एन एफ के टी सी टू सेवन जनरली इनमें से एक मेथड आ जाता है के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू सेवन में से और उसके बाद एन सी आर टी में इनकी बैलेंस रिएक्शन को लिखना के एम एन ओ फोर का एस ओ फोर पर क्या एक्शन होगा के एम एन ए फोर का आई नेगेटिव पे क्या एक्शन होगा, होगा आयनिक रिएक्शन लिखनी होती हैं जो एन सी आर टी एक्सरसाइज में गिवन है सिर्फ होने करें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जनरली पूछा जाता है और ज्यादा ना हो सके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम दस सालों के क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक के कर लो मार्केट में अलग अलग तरह के बुक्स आती हैं जहां टेन ईयर क्वेश्चन होते हैं अब उनके आंसर रट लो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन में से आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एन में जो नॉर्मन है सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छा डेफिनेशंस में चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं लिगेंड किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा चिलेटिंग लिगेंड एम्बीडेटिंग एम्बीडेंटेडली गेंड कॉर्डिनेशन पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो एनसीआर की प्रॉब्लम दी गई है एनसीआरटी एक्सरसाइज खोलो उसमें बताया गया कि भाई इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ इसके आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ आप हमारे चैनल के अलग अलग प्ले में इन चैप्टर के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सी सी की एक्स्ट्रा एन प्रॉब्लम सी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसकी जो भी आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए नहीं तो एन में जो प्रॉब्लम है उन्हें तो कम से कम करना ही है आपको एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पूछते हैं कि प्लांट में कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है और ह्यूमंस में कौन सा है हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है मेडिसिन में सिस्प्लेटिन इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपको याद रखना है ऑर्गेनो कंपाउंड्स के अंदर आपने खास तौर पे बॉन्डिंग को करना है कि यहाँ पर किस तरह की बॉन्डिंग होती है आपने ऑर्गेनो के अंदर बॉन्डिंग को करना है एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जीजस सॉल्ट सिस्पलेटिन और सैंडविच कंपाउंड किसे कहते हैं इनको करना क्योंकि टारगेट अगर 100 आउट ऑफ 100 का है ना तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी तो इसीलिए सब कुछ करना है मिनिमम पास होने के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि भाई जो बच्चे कहते हैं कि जी पास हो जाएं बहुत है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे लेकिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हेलो कैन हेलोवेल इंस ऑर्गेनिक आगे सबसे पहले एस एन वन एस एन टू रिएक्शन के एन प्रॉब्लम एस एन वन में अरेंज करना एस एन टू में अरेंज करना हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जहां आप प्ले में जाइए नहीं तो सिंपल लिख दीजिए हेलो वेल्किन हेलो एरिन बाय प्रदीप शर्मा या हेलो वेल्किन हेलो एरिन बाई पिक्स फॉर आई आई जब आप सामने आएगा ये हैं आपके पास कुछ रिएक्शन जैसे हॉफमेंस रूल आना चाहिए बोरोडिन रिएक्शन सिमोनाइन रिएक्शन फिंकल ये नेम रिएक्शन के तौर पे रिएक्शंस को बिना लिखे याद नहीं करना है ये रिएक्शन करनी है राशिक प्रोसेस किसे कहते हैं खासतौर तौर पर इंडस्ट्रियल मैथड है आपको क्लोरोबेंजीन बनाने का ये आना चाहिए के सी एन ए जी सी एन एलकाइल हेलाइड पर कैसे रिएक्ट करता है के सी एन साइनाइड देता है ए जी सी एन आइसोसाइनाइड देता है क्या कारण है ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोवेर पे होने वाली चार न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है चार न्यूक्लियोफिलिक हैं उन्हें याद कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा कि ऑर्थो ऑर्थोडाइक्लोरोबेन्जीन पैराडाइक्लोरोबेनजीन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इस तरह का क्वेश्चन आपने करना है एनसीआरटी में डायरेक्ट जवाब दिया हुआ है आर लेस रिएक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है क्लोरोमीथेन से आखिर क्यों है विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव है क्लोरोमीथेन से आखिर क्यों है इस तरह का क्वेश्चन और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास दो या तीन क्वेश्चन कि क्लोरोबेन्जीन और मिथाइल क्लोराइड में डिस्टिंक्शन करना है टेस्ट करना है तो ये टेस्ट आना चाहिए आप हेलो हेलोवेरस की बात करें अमीन्स और अमीन्स में हॉफमैन समोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि हॉफमैन अमोनोलिसिस पे प्योर प्राइमरी अमीन नहीं बनता क्यों नहीं बनता हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन मस्ट वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से दो रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड और कार्बाइलबीन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते ही आती हैं कन्वर्जन के तौर पे आ जाएंगे नेम रिएक्शन के तौर पे आ जाएंगी कंप्लीशन पे, पे आ जाएंगी तो हॉफमैन ब्रोमामाइड और कार्बाइलबीन रिएक्शन एनिलीन पर नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है सल्फोनेशन में ज्वीटर आयन किसे कहते हैं ये क्वेश्चन करना चाहिए एनिलीन पे एसेटनालाइड क्यों बनाते हैं एसिटनालाइड क्या करता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी को कम करता है तो यह आना चाहिए एनिलीन लेस सॉलिबल है एनिलीन पानी में सॉलिबल नहीं होता क्यों नहीं होता लार्ज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा जवाब होता है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में हेंड्स वर्ग रिएजन टेस्ट और उसके अलावा आपको कार्बाइल टेस्ट पता होना चाहिए एनिलीन का ब्रोमीन वाटर टेस्ट पता होना चाहिए तो इस वीडियो के अंदर तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आपको कौन कौन से मेन मेन टॉपिक हैं एल्कोहल के अंदर मेनली ओ एम डी एम मर्कुरेशन, मर्कुरेशन को ओ कहते हैं हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फर्मेंटेशन किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट से कैसे एल्कोहल बनाते हैं एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा ये करना है और कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल में प्रूफ ऑफ एल्कोहल किसे कहा जाता है ये आना चाहिए आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन आनी चाहिए कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर 573 पे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका स्क्रीन लेते जाना फिनॉल्स के अंदर डाउस प्रोसेस क्या है क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं दो इंपॉर्टेंट हैं डाउस प्रोसेस और क्यूमीन पे कैसे बनाते हैं केमिकल रिएक्शन में मेनली कोल्स रिएक्शन रिमर जिंक डस्ट का एक्शन क्या होगा ये फिनॉल के अंदर है कपलिंग रिएक्शन जिसे डाइजो टेस्ट कहा जाता है डाई टेस्ट कहा जाता है सेलिसलिक एसिड से एस्प्रिन बनाना तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डायरेक्ट फिनॉल से एस्प्रिन बनाओ कैसे बनाओगे तो आप यहाँ पर ये यह आना चाहिए तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनॉल और एल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल के टेस्ट हैं आइडोफॉर्म टेस्ट है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है फिनॉल का ब्रोमीन वाटर टेस्ट है तो ये टेस्ट यहां पर करें ईथर के अंदर बहुत सिंपल बहुत सिंपल मेनली विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्वेश्चन और एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन ईथर ये आपसे पूछते हैं परऑक्साइड ईथर का ओल्ड सैंपल डिस्टिलेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता ड्यू टू तो परऑक्साइड फॉर्मेशन ये सिंपल से टॉपिक और एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये आपको मेन रिएक्शन करनी है रोजनमन रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन है एलडॉल कंडेंसेशन कैनिजारो जो मैंने बताए बेशक से रिवाइंड करके देखें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साथ में करनी है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन और अमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है क्यों होती है और इन रिएजेंट का फंक्शन एन ए बी एच फोर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबेल और एच सी एन एल्कोहल किस तरह से अटैक करता है और बायो मॉलिक्यूल लास्ट में यहाँ पर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल एन सी आर टी में अमीनो एसिड के एग्जाम्पल दिए गए हैं वो करें ज्विटर करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स करें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है स्ट्रक्चर सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज और ग्लूकोज के रिएक्शन पे जो एन का क्वेश्चन दिया गया है ये आपको करना है डिफरेंस बिटवीन डी एन ए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही पूछा गया है डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है जब डीएनए को हीट करते हैं तो उसकी स्ट्रेन अनवाइंड हो जाती है उसे मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं और जब उसको ठंडा करते हैं तो डीएनए दोबारा से वाइंड अप हो जाता है उसे एनिलीन कहते हैं और विटामिनस में वेरियस विटामिन के फंक्शन लाइक विटामिन एच का क्या फ़ंक्शन है विटामिन सी का क्या फंक्शन है विटामिन के का क्या फंक्शन है ऑयल सोलिबल विटामिन क्या होते हैं वाटर सोलिबल विटामिन क्या होते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी हमें बार बार इनटेक करना पड़ता है क्योंकि वाटर सोल्यबल होता है एक्सक्रीट हो जाता है इसीलिए हमें उसकी बार बार इनटेक करनी पड़ती है तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको ट्वेल्थ एग्जाम में अगर आपने ये सारे टॉपिक कर लिए हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कहीं नहीं गए ध्यान रखना और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो आएगा लेकिन ये था हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड और किस तरह से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है फोर डालना है बोर्ड पेपर को तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऑल द बेस्ट